हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा ट्रिप जो है वो है हल्द्वानी से पंगोट, पंगोट से नैनीताल। मगर हम पंगोट मेन रास्ते से नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कोटा बाग होते हुए। और मेरे साथ है मेरा फ्रेंड गगन। और बहुत टाइम बाद आज हम बाइक राइड पे निकले हैं, तो हमने सोचा कि एक छोटा सा ट्रिप मार के आए और नया रास्ता एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि कोटा बाग से पंगोट निकलता है। वो रास्ता बहुत कम लोगों ने देखा है, तो आज वो रास्ते के बारे में आपको पूरा बताएंगे। पहले हम निकले हल्द्वानी से कालाडुंगी, फिर कालाडुंगी से थोड़ा सा आगे जाके एक राइट कट आता है कोटा बाग वाली रोड के लिए। अभी हम कोटा बाग वाली रोड में हैं और यहाँ से हम पंगोट के लिए जा रहे हैं। गाइज, आपके लिए इन्फॉर्मेशन, हमें जो है मेन कोटाबाग से नहीं मुड़ना है, हमें मुड़ना है कोटाबाग नवोदय से थोड़ा सा आगे जाके राइट कट पड़ेगा, वहाँ से आता है पांडे गांव। हमें पांडे गांव के लिए जाना है, मैं अभी रास्ते में हूँ। यहाँ से हम पांडे गांव जाएंगे, पांडे गांव करीबन यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। नहीं मुड़े हैं, पांडे गांव से करीबन 1 किलोमीटर पहले एक साइन बोर्ड दिखेगा आपको, वहाँ से एक रास्ता पांडे गांव को जा रहा है और दूसरा रास्ता रानीखेत को जा रहा है। नैनीताल नहीं लिखा है वहाँ, रानीखेत लिखा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। तो हमें रानीखेत वाले रास्ते पर मुड़ना है और हम लोग वहाँ से करीबन 2 किलोमीटर ऊपर आके बैठे हैं और बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। ये देखिए बढ़िया लोकेशन में है, गगन भाई थके हुए बैठे हुए हैं। यहाँ पे करीबन हम 10-15 मिनट रेस्ट करते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। और एक चीज़ और गाइस, यहाँ पे कोई भी हैचबैक या सेडान कार लेके मत आइएगा, क्योंकि ये रास्ता पूरा ऑफ रोड है। अभी यहाँ पे तो सही दिख रहा है रास्ता, मगर पीछे काफ़ी ऑफ रोड मिला था हमें, और वहाँ पे छोटी गाड़ी लेके आएंगे तो पक्का अटकनी ही है। फ्रेंड्स, करीबन 53 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद, 53 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद हम पहुँचे हैं सांगड़ा गांव। और इस गांव में मुश्किल से करीबन 20-25 हट्स होंगी, उसमें ही लोग रहते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब शांत एरिया है ये, जंगलों के बीच में, और रोड बहुत ख़राब मिली है हमें। ये देखिए ऐसी रोड मिली है, इसमें बाइक या फिर SUV, सेडान और हैचबैक यहाँ नहीं आ सकती हैं। और फिर हम यहाँ रुके हैं चाय पीने, हमें एक ही दुकान मिली है चाय की। गगन बाइक चला चला के थक गया और मोबाइल पे लगा हुआ है।
75 किलोमीटर बाइक राइड कर चुके हैं और 75 किलोमीटर्स की राइड करने के बाद मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं आज तक इस रास्ते से क्यों नहीं आया। बहुत खूबसूरत रास्ता है, बहुत यहाँ पे भयंकर लैंडस्लाइड हुई थी मॉनसून्स में, और लैंडस्लाइड के बाद ये देखिए इतना बड़ा बोल्डर आके ये पुल पे गिरा है। यहाँ से तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं पंगोट से 4 किलोमीटर आगे हरियाल। ये टोटल 95 किलोमीटर्स पड़ा है हमें कोटा बाग वाले रास्ते से, और अगर हम नैनीताल से, नैनीताल का जो मेन रास्ता है वहां से आते हैं तो ये पड़ता है हमें 65 किलोमीटर्स। 30 किलोमीटर का अंतर है बट वर्थ है। बहुत खूबसूरत जगह मिली हमें, बहुत खूबसूरत ट्रैक मिले इस वाली रोड से। अगर आप लोग के पास पूरा एक दिन है और आपने नैनीताल घूमना है तो आप इस ये रोड ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये है टी पॉइंट, अगर आप नैनीताल से सीधे आ रहे हैं तो आप आएंगे और आपके लेफ्ट में पड़ेगा ये रास्ता कोटा बाग वाला। हम लोग इस रास्ते से आए हैं तो अब हम वापस नैनीताल वाले रास्ते से जाएंगे जो कि ये है। यहाँ पे भी अच्छा खासा फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ से नैनीताल करीबन पड़ेगा आपको 25 किलोमीटर। पंगोट से करीबन 5 किलोमीटर आगे यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस तैयार हो रही है। पहाड़ का जितना पानी आ रहा है उसे रोक के यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक बनाएंगे। अभी काम चल रहा है, नीचे जेसीबी भी खड़ी है। यहाँ पे हम रुके थे थोड़ा रेस्ट करने, और उसके बाद करते करते मुझे एक बात रियलाइज़ हुई, और बात क्या, एक गलती रियलाइज़ हुई जो आगे नहीं करनी है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि अगर हमारी बाइक पंचर हो जाती तो हम लोग आज पैदल हो जाते। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने साथ पंचर किट और एक पिछले टायर की ट्यूब ज़रूर रख के लाएँ, क्योंकि जहाँ से हम आए हैं वहाँ करीबन 50-60 किलोमीटर हमें कहीं पे भी कोई पंचर वाला नहीं दिखा, ना कोई दुकान दिखी। तो इसलिए मेरी तरह आप ये गलती मत करिएगा। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारी बाइक पंचर नहीं हुई है और हम सेफली यहाँ पहुँच गए हैं। तो गाइज हम लोग पहुँच गए हैं नैनीताल, हमारी राइड कंप्लीट हो गई है। बहुत अच्छा रास्ता था, हमें करीबन 113 किलोमीटर का रन हो गया है नैनीताल तक का। यहाँ से हल्द्वानी 40 किलोमीटर लंबा रास्ता है मगर बहुत खूबसूरत रास्ता है। तो अब यहाँ से हम हल्द्वानी के लिए निकलते हैं। गगन भी आ गया है, मैं गगन का वेट कर रहा था यहाँ पे। तो गाइज बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा।